तो बिग बॉस के घर में हमने देखा कि ये जो जोड़ियां हैं ये एक दूसरे से बातें कर रही हैं और एक बहुत ही अहम और बहुत ही कड़ा निर्णय जो है वो बिग बॉस ने इस सीजन में लिया है। क्या है वो निर्णय, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो हुआ ये है घर में कि पहले तो बातें हो रही थी जोड़ियों के बीच में कि किस तरह से आप खेल सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद है, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ना पसंद है। सुरभि ने भी अपना इस पर टिप्पणी दे दिया है कि सलमान भाई जो है हमारे वो शायद दीपिका का ज़्यादा साथ देते हैं एंड ऑल दैट। आई डोंट नो सुरभि को ऐसा क्यों लगता है, बट एनीवेज। तो मूविंग ऑन, हमने देखा कि ये जो है ये घर की प्रॉपर्टी के साथ जो हमारे प्लेयर्स हैं ये खेल रहे थे क्रिकेट। सो सुशीशन भी इसमें शामिल हुए, रोमिल भी खेल रहे थे, जसलीन ने भी खेला, सब खेल रहे थे। इस बीच में जो बिग बॉस है वो उन्होंने रोमिल को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है आप लोग इसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये सब कुछ जो है आप स्टोर रूम में भेजो। श्रीशंत इसके लिए जो एग्रेशन और जो गुस्सा दिखाया है उन्होंने कि उन्होंने अपना पूरा बॉल जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था वो पूरा खोल दिया। यस इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, उन्हें नहीं खोलना चाहिए था, वो ऐसे ही दे देते, हो सकता है बिग बॉस हमारे लौटा देते, दिलदार है। तो खैर जो श्रीशंत का बॉल था वो उन्होंने सब कुछ रखा, फिर उन्होंने इंग्लिश में बातें की, लगभग सारे नियम तोड़ दिए, माइक उतार दिए, पता नहीं वॉशरूम के अंदर जाकर क्या क्या तोड़ कर आए हैं वो। खैर ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद बिग बॉस जो है वो लिविंग एरिया में सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि इस बार जो है अभी जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती, लोग एक दूसरे को नॉमिनेट करते, पर ये अब नहीं होगा क्योंकि महानता के कारण करणवीर, नेहा और श्रीशंत जो है ये नॉमिनेटेड रहेंगे और इसके अलावा और कोई भी घर में नॉमिनेट नहीं होगा। अच्छा सबक सिखाया है। तो खैर इससे थोड़े बहुत तो नाराज़ हुए हैं हमारे करणवीर, मुझे ऐसा लग रहा था। तो खैर नॉमिनेशन का सब कुछ हो गया, ये घर का जितना भी जो भी होना था सब कुछ हो गया। इस बीच में जो है हमारा शुरू हुआ कप्तानी का टास्क। तो कप्तानी के कार्य के लिए हमने देखा कि ब्लू और वाइट कपड़ों में दो टीम रेडी हो गई, जिसमें से एक पुलिस की टीम थी और एक जो थी कैदी की टीम थी। इसमें कैदी को रोकना था, तो हमने देखा कि काफ़ी सारे जो झगड़े हैं वो शुरू हो गए। तो रोमिल जो है वो अपने ही ताव में खड़े हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे एंड ऑल दैट। सो ये जो पूरी लड़ाई शुरू हो गई, इस बीच में सुरभि और करणवीर के बीच में हमने देखा कि एक हीटेड जो कॉन्वर्सेशन है उनका स्टार्ट हो गया कि करणवीर ने उन्हें इस तरह से धक्का दिया, ऐसे नहीं करना था, ये वो ये। और सिमिलरली रोमिल जो है हमारे, उन्होंने सौरभ को पूरा पकड़ ही लिया, हग ही कर लिया कि भाई अब तो ना जाने दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये जो है जो कार्य है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्य है। लास्ट में अभी हमने देखा कि श्रीशंत और सोमी जो है वो बचे हुए हैं जेल के अंदर, और अब जो है करणवीर और शिबाशीष जो है ये खड़े हैं दोनों को रोकने के लिए। देखना है कि दोनों में से कौन जो होते हैं वो लास्ट होते हैं, वो दीवार को क्रॉस करने वाले कौन है जो कप्तानी का जो दावेदारी है उससे बाहर निकल जाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पार्क टीवी और बिग बॉस भी।